यहाँ चाइनीज वांगसी प्रोविंस की प्रोडक्ट्स की एग्जीबिशन यहाँ हो रही है, तो हम ये देख रहे हैं, इसका उद्घाटन हुआ है और ये प्रोडक्ट्स यहाँ भारत में जितने पॉपुलर है उसी तरह ऐसे ही सुंदर प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ भी बने, वैसे उसी क्वालिटी के और वैसे सस्ते कीमत के, तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ेगा और देश के साथ साथ दुनिया की जो स्पर्धा है उसमें भारत के प्रोडक्ट्स शाइन हो जाएंगे। हमारे उद्योजक उद्यमी जो है वो भी ऐसे सुंदर क्वालिटी हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाएंगे और अफोर्डेबल प्राइस में बनाएंगे, तो मेक इन इंडिया जो हमारा अभियान है वो सफल हो जाएगा। गणपति फेस्टिवल आ ही रहा है, हर साल की तरह बड़े धूमधाम से ये फेस्टिवल है वो हो जाएगा और उसके लिए भी लोगों की अभी तैयारियां शुरू हो गई है, मेरी पूरी तरह से शुभकामनाएं। सर महाराष्ट्र में कितना इन्वेस्टमेंट? सर एक मिनट, सर गवर्नर हाउस, एक मिनट, मार्केटिंग की बात करते हैं तो चाइना से इंडिया को कितना बेनिफिट मिलता है? बिल्कुल, दोनों देशों का एक दूसरे के साथ एक बेनिफिट बढ़ाने का ये एक मौका है कि हम इससे डर से या कोई दबाव से पीछे नहीं हट सकते, हम भी उतनी ही स्पर्धा में आगे आ सकते हैं। और मैंने कहा कि जैसे मेड इन चाइना प्रोडक्ट हमारे यहाँ बिक रहे हैं वैसे मेड इन इंडिया प्रोडक्ट चाइना में भी बिकने चाहिए, दोनों देशों ने एक दूसरे को ये मौके देने चाहिए। तो महाराष्ट्र में कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है? इंडिया के अंदर किस तरह बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं? हम हमारे जो उद्यमी हैं उनको कह रहे हैं कि तुम भी इसका एक अभ्यास करो और इसकी डिज़ाइन देखो, इसकी क्वालिटी देखो और वो सस्ते कैसे बनाते हैं उसका अभ्यास करके अगर उस तरह से हम चलेंगे तो हमारे भी तरक्की होगी। धन्यवाद।